मैंने तेरी क्लास में एक भी लड़की नहीं है ना? नहीं है। और हमारे व्यू से रूम देखो, हमारे रूम से व्यू देखो, ये देखो ये। भाई गाड़ियों के शोरूम खोल रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट से कौन गाड़ी खरीद के ले जाएगा? कस्टमर देख लेगा गाड़ी, हाँ। बाद में खरीदेगा, मतलब रनवे से लेके जाएंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम चैनल तुषार। तुषार आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं हम लोग? पोर्ट ब्लेयर नहीं, IXZ, उसको IXZ क्यों बोलते हैं? दिल्ली को DEL बोलते हैं और उसको IXZ क्यों बोलते हैं पता नहीं भाई, आप लोगों को पता बता दो। हमारे साथ है पापा, पापा पापा मम्मी, पहले पापा मम्मी आया फिर तू आया, फिर मैं नहीं, पहले तू आया। आज की वीडियो हम लोग जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर और ये सारा प्लान ना इमीडिएट बनाया, एकदम से बनाया। मम्मी तो थक भी गई यहाँ तक आने में और हमारे साथ सुबह सुबह उबर कैंसिल हो गई, बहुत सारे कांडे कांडे और लेट हो रहे थे हम लोग, तो थोड़ा ऐसे ना पहुँच के बात करते हैं। और भाई जिसको नहीं पता पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा, मेरे को नहीं पता था। तो वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो मैंने पहले प्लान किया मालदीव्स, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था। फिर मैंने प्लान किया शिमला मनाली, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर मैंने प्लान किया लेह लद्दाख, उसकी वापसी की फ्लाइट नहीं थी। फिर मैंने प्लान किया दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जाने के लिए आप लोगों को भागातूर जो भी एयरपोर्ट का नाम वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ से आपको टैक्सी लेके जाना पड़ता है। और दार्जिलिंग में बारिश हो रही है तो मैंने कहा बचा क्या ऑप्शन, ये वाला ठीक है अंडमान निकोबार। तो ये प्लान बना, कल सारी टिकट्स बुक हुई। ये भी अब महंगा ही पड़ रहा हम लोगों को, तो मालदीव्स भी जा सकते थे हम, बट ठीक है अभी हो गया जो हो गया। बट मेरे को एक चीज़ का दुख है कि मेरे पास इस ट्रिप में ड्रोन नहीं है, तो नहीं है तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते। बाकी अभी हम लोग फ्लाइट में बैठेंगे और मजा आने वाला है जितना हो सकता है। मैं ना सिर्फ कैमरे को फेंक के दिखा दूँगा आपको ड्रोन वाला विजन, बट मेरे से जितना होगा उतना ही होगा। एक्साइटमेंट हो रही है सुबह सुबह? यस वेरी एक्साइटमेंट। मम्मी और नितिन तो आलसियों की तरह आ रहे धीरे धीरे। और ना मेरे साथ फ्लाइट वाले थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, मैं जब मेलबर्न से आया, मेरी फ्लाइट थी सुबह 8:30 की, मैं 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया। मेरी 5:30 की फ्लाइट है तो भी मैं 4 बजे एयरपोर्ट पहुँचाऊँ, मतलब इसके बाद मेरी जो फ्लाइट होगी वो 2 बजे की होगी। ठीक है धीरे धीरे करके ना, मैं से अर्ली टू बेड अर्ली टू, कुछ कोई सेंस नहीं बन रहा। छोड़ो आप ऐसे चल रहे हैं, जहाज चल रहा है धीरे धीरे रनवे पे जा रहा है, थक गए पहुँच गए पोर्ट ब्लेयर। मम्मी को गाड़ी चोर हो रहा है पर भाई, एयर इंडिया वाली एयरलाइन महान है। मैंने चारों की टिकट एक साथ बुक करी, सब सही करा। यहाँ पे आके बोल रहे हैं आपकी सीट चेंज हो गई, मैं कहा चेक इन के बाद कैसे चेंज हो गई, कह रहा हूँ नया एयरक्राफ्ट आया, मैं कहा ओह नाइस। खाने की खुशबू आ रही है फ्लाइट में, आ रही है खाने की खुशबू आ रही है, खाने की खुशबू। तंदूर में बैठ गया ऐसा लग रहा है, फ्लाइट में नहीं बैठे। कौन सी बारी प्लेन में बैठ रहे हो? मैं तीसरी बार। पहली बार कब बैठे थे? नहीं तीसरी बार, पहली बार मैं बैठी। धीरे धीरे हाँ। दूसरी बार भी गए थे हम। तो कहाँ गए थे? दूसरी बार गोवा। पहली बार कुल्लू। कुल्लू तो हमारे साथ नहीं गए, क्यों? ओहो शादी के बाद गए थे। तो कितनी बार बैठे? दूसरी बार। तो फिर मतलब वापस नहीं आए थे, तो छठी बार नहीं हो गई फिर? हाँ छठी बार नहीं, फिफ्थ बार। छोटा सा एयरपोर्ट था और मम्मी फ्लाइट कैसी थी? अच्छी थी। मम्मी ये कह रही बहुत अच्छी, हर चीज़ अच्छी लग रही है। मैंने कहा थोड़ा खुलो मिलो, थोड़ा ब्लॉग में जैसे जिंदगी में हो वैसे रहो, हमको पीटो थोड़ा सा। नंदर को कैसी लगी फ्लाइट? बहुत अच्छी। अब फ्लाइट कैसी लगी? एयरपोर्ट भी छोटा है लेकिन ठीक था, खरीदना थोड़ी है भाई। एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा छोटा सा था इनका, बहुत ज़्यादा छोटा था। अभी बाहर चल के बात करते, होटल जा रहे हैं सीधा, ऐसे दूर नहीं जाता। भाई फाइनली अब हो गए, क्यों हो रहा है फोकस आउट ऑफ भाई, कैमरा ख़राब है। तो भाई फाइनली अब हो गया टाइम घूमने का, और अगर मेरे को ऐसे 5:30 बजे की सुबह फ्लाइट मिले ना आज, मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैं रात में सोऊंगा नहीं एक्साइटमेंट की वजह से, और फिर मेरा पूरा दिन खराब, समझ सकते हो ना आप लोग। फिर मैं सोऊंगा सा आधा दिन, फिर आधा दिन बचेगा क्या घूमे, चलो कोई ज़्यादा बातें होती। तो
भाई हम लोग आ गए हैं कोविंस कोव बीच। तो कुछ खास नहीं लग रहा, वैसे ही लग रहा है, बट सुंदर है। सारे बीचेस सुंदर ही होते हैं। और यहाँ सनसेट हो ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा, सन ही नहीं दिख रहा। क्या खा रहे? कुल्फी। कुल्फी मटका। तो गुस्से में क्यों बोल रहा है ये? क्या गुस्से में बोल रहा है? कुल्फी। मैंने कुल्फी बोला। ये आप सारे वन वर्ड आंसर क्यों कर रहे हो ये बताओ मेरे को? कुछ और इंटरेस्टिंग नहीं है बोलने के लिए? वन वर्ड कर रहे हो। डर गया मम्मी तो? डर गई। बीच कैसा लगा? ठीक। नहीं मजा आया? ठीक ठीक लगा। क्यों और कैसे चाहते थे? अच्छे अच्छी लड़कियां हैं वहाँ पे। हाँ। तो शार के लिए? तेरे लिए नहीं। अच्छा था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग? मैंने इतनी क्लास में एक भी लड़की नहीं है ना? नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा भाई, एक लड़की भी नहीं है भाई क्लास में भाई। तो तभी इसको या बीच पे आया तो थोड़ा ढूंढने शादी वादी के लिए, पर हो नहीं पा रहा यहाँ पे भी। नहीं। आपको कैसा लगा बीच? अच्छा था? बीच बहुत बढ़िया था। आपको ये अच्छा लगा? अच्छा ठीक है बीच तो, मतलब ठीक ठीक था, इतना ज्यादा मजा नहीं आया, इतना एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं होगा। और इस भाई ने लिया 1000 रुपए कैब वाले ने ये पूरा घुमाने के। तो यहाँ बीच पे आप 6 बजे तक आ जाना। अभी कितने बजे? अभी 5:15 हो रहे हैं। इसके कहने का था 6 बजे तक आ जाना वापस, हम तो पहले ही आ गए, पता हम टाइम से पहले रहते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा लाइटर वो सब शो देखेंगे, बाकी नींद बहुत तेज आ रही है इसलिए ज्यादा मैं बातें कर नहीं रहा। फिर से नींद आ रही है? और क्या, जब से आया ये सो ही रहा है। आ रही है भाई मेरे को बहुत नींद आ रही है। पूरी रात नहीं सोया ना फिर खराब हो जाता है। तो भाई मैं आपको पूरा, ठीक है नेक्स्ट टाइम आपको कल का पूरा सीन समझाता हूँ हुआ क्या था। क्या हुआ था? कल हम सुबह सुबह मतलब पूरी रात में सोया नहीं एक तो, और सुबह से ना मतलब हरकतें ही हो रही है हम लोगों के साथ। पहले उबर वाला नहीं आया, आया तो भाई साहब वो छोटी टैक्सी आ गई गलती से। मैंने ना उबर प्राइम कर दी, ठीक है, तो मेरी गलती थी, प्राइम होती है पता नहीं कौन सी होती है, सेडान आ गई थी तो वो मैंने करी। भाई पीछे देख रहा है किससे बातें हो रही है, देखो पहले वो आ गई, फिर उसके अंदर हमारा लगेज नहीं आया। पापा कह रहे हैं लगेज आके रख देते फिर बैठ जाएंगे। मैं कहा 5 लोग थोड़ी बैठेंगे लास्ट सीट पे, ऐसे कर करके फिर हम लोग एयरपोर्ट लेट पहुंचे। उसके बाद वहाँ पे भी हरकतें हो गई तो पूरा दिन हमारा खराब किया। घर आके सो गए और मैं आधा दिन नींद में था, मैंने क्या ब्लॉग किया मेरे को बता ही नहीं। आप लोग थोड़ा संभालो, ठीक है, कभी कभी ऐसा चलता है। को मेन वाला मैं बताता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने ना फोटो में ऐसे दिखाया कि होटल ऐसा होगा, ये फोटो है, ठीक है, ऐसे मेरे को बिल्कुल हॉट हॉट लड़कियाँ दिख रही हैं वहाँ पर, और रियलिटी में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये व्यू, बस एक रूम है जिसका व्यू ये वाला है, बाकी सारे जो अंदर रूम्स हैं उनकी दीवारें हैं व्यू। मैं आप लोगों को अपने रूम से व्यू दिखाऊंगा और फिर बाहर आके बैठ के बात करते हैं। ये हमारा रूम था और हमारे व्यू से रूम देखो, हमारे रूम से व्यू देखो, ये देखो, ये है ना अच्छा। हाँ। है ना रूम का व्यू? हाँ। कहाँ अच्छा है? रूम का अच्छा है, बाहर का नहीं है। मतलब रूम का अच्छा व्यू है। क्या बोलना क्या चाहता है? बेडरूम सही है। तो हमारा कटा ही है भाई कल से। और अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये टोटल 527 आइलैंड है, ये पता नहीं 536, और इनमें सिर्फ 30 प्लेस पे लोग रहते हैं। आज हम लोग हैं पोर्ट ब्लेयर में, कल हम लोग जाएंगे हैवलॉक आइलैंड में, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं चलेगी तो लाइक कर देना, जैसे कि सब्सक्राइब कर देना, चला गया ना भाई। मैं आपको बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव फ्रॉम अंडमान निकोबार बॉय फ्रॉम इंडिया। मतलब ये अंडमान निकोबार भी इंडिया में ही आता है, आपको पता था ये चीज़? मेरे को अभी पता चली थी रिसेंटली।